तो शुरुआत जो है मुझे लगता है कि नीयत इंटेंशन बहुत अच्छी थी क्योंकि इमरान खान जब कैंपेन भी कर रहे थे अपने इलेक्शंस की तरफ तो ही वॉज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लक़ बनाने हैं सो so, इंडिया की अगर आप बात करें तो विजन बिकेम पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का हाथ आता है लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स और बॉर्डर्स की वजह से चेंज होता रहता है तो वी सॉ पुलवामा का अटैक बालाकोट का अटैक तो ओवरऑल दो चीज़ें इसके अंदर अगर मैं इस बात को समअप करूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप इस वक्त बायलैटरल टर्म्स में बहुत Uh, जो है एक लोएस्ट पॉइंट से गुजर है और दूसरी ये चीज़ कि जो विद इन इंडिया के अंदर चेंजेस आए हैं आएँ आए हैं सेकुलरिज्म इज़ नो मोर हाइपर नैशनलिज़म की तरफ बात होती जा रही है उनकी अपनी भी अंदर माइनॉरिटीज़ जो हैं दलित कम्यूनिटी द मुस्लिम कम्यूनिटी अभी जैसे हम uh, बात कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद के ऊपर फाइनली मंदिर बन बंदर सो so ये सारी चीज़ें जो ये सारे लेंजेज़ हैं ये नेविगेट कर रहा है रिलेशनशिप उनका uh, पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान में फ़ौज का हमेशा फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और ख़ास तौर पे इंडिया से रिलेटेड जो पॉलिसी है और हमने पास्ट में देखा कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बहुत डिफरेंसेस और बहुत तलखी भी रही इस मामले पे इमरान ख़ान का जो रिलेशनशिप है फ़ौज के साथ इंडिया के हवाले से पॉलिसी पर वो कैसा है इमरान खान कंपेरिटिवली टू आवर यू नो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स वो फ़ौज के साथ जो जो बड़े मुद्दे हैं आ, वो बिल्कुल सेम है सो so, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको आ, जो है करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग नज़र आती है कि जिसके अंदर हमने देखा कि आर्मी चीफ़ भी वहाँ अवेलेबल थे तो इस तरह का आपको हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं नज़र आया कि सिविल और मिलट्री रिलेशनशिप इस तरह से एक पेज है और एक विजिबिलिटी है वो भी एक ऐसे चीज़ के ऊपर जहाँ इंडिया इन्वाल्व है और इमरान खान को वो मसाइल नहीं हुए पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से क्योंकि अगर आप देखती हैं कि जब कश्मीर जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया तो इट टुक इमरान खान एट लीस्ट थ्री फोर डेज़ टू रिस्पॉन्स बैकवर्ड इट तो वो जो रिस्पॉन्स था वो आई एस पी आर बैक्ट और वहाँ से चेक होकर ही आया सो so, uh, मुझे यहाँ तक लगता है कि इमरान खान की बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स जो आइडियोलॉजिकली वो कह जाते हैं लेकिन उसके पीछे हमेशा मिलिट्री का एक सपोर्ट रहता है और एक बैक रहता है अपोज़िशन पार्टीज़ अलबा ये इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि इमरान ख़ान की इंडिया के मतलब पॉलिसी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है वो ये कहते रहे हैं कि इमरान ख़ान ने कश्मीरीों की आवाज़ को सही तरीके से नहीं उठाया और कुलभूषण झादेव के मामले के ऊपर तो उन पर सेल आउट का इल्ज़ाम भी लगता रहा है तो इन इल्ज़ाम से क्या इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है आ, वो इफ़ेक्ट होती है अगर नवाज शरीफ के टनोर में देखें तो उससे भी कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं नवाज़ शरीफ की हमेशा इंडियन प्रो पॉलिसीज़ रही हैं स्पेशली इन रिलेशन टू ट्रेड के अगर आप देखते हैं और इकोनॉमिक रिलेशंस पे देखते हैं अगर आप आ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में देखती हैं तो उनकी तरफ से भी आ, कहीं बार इस तरह की कोशिशें आई हैं तो अगर आप सिर्फ लोगों के मैंडेट की बात करती हैं या पॉपुलरिटी की बात करती हैं तो ऑपोजिशन ऑफ कोर्स हर क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक uh, मुल्क है और उनका जो सजेशनज़ या उनके फीडबैक लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन का जो फीडबैक है वो लोगों को उस तरह से असरअंदाज नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो जब भी बात करते हैं तो उसमें जो उनके वोटर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं या पूरा एक मुल्क उनको उसमें सच्चाई नज़र आती तो जब चाहे पचास साल में पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अजलास कश्मीर के लिए आ, हुआ हो या चाहे उनकी रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम पे हुई हो या चाहे उनकी यही यही जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो ये लोगों में बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया और उनकी मुझे लगता है और पॉपुलैरिटी इस तरीके से बढ़ी भी इंडिया और चाइना का रिसेंट स्टैंड ऑफ था उसमें इमरान ख़ान की लीडरशिप में पाकिस्तान की पॉलिसी कैसी रही इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है पाकिस्तान की पॉलिसी कोई कोई अनोखी पॉलिसी नहीं आई बिकॉज जब आप चाइना की बात करते हैं और जो टाइम इन टेस्टेड फ्रेंडशिप ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है शाह महमूद जैसे ही लद्दाख का इंसिडेंट हुआ शाह महमूद कुरैशी वज़ वेरी क्लियर उन्होंने कहा कि अगर हमें इवन बॉर्डर पर भी चाइना को सपोर्ट करना पड़ेगा तो हम करेंगे लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेटिजिकली देखते हैं तो Uh, इसका फ़िलहाल जो एक फ़ायदा है कि आप देख रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर टेंशन जो हैं कंपैरेटिवली कम है बिकॉज इंडिया का जो फोकस है वो uh, चाइना की तरफ आ गए इमरान खान की गवर्नमेंट दो साल पूरे कर चुकी है तीन बाकी हैं तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ बेहतरी आ सकती है अगर आप सिर्फ़ मोदी और इमरान ख़ान के उस पर जाएँ तो इसमें पर्सनैलिटीज़ नहीं मैटर करें इसके अंदर Uh, सदियों के वो कड़वाहट है वो हेट्रेड है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कि कोई नैरेटिव बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहा तो वो हम बर्डन्स जो हैं एंडियो लगेजेस कैरी करते जा रहे हैं और इसलिए उस तरह से एक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता